राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारी संस्कृति में। तो आज की इस कथा में वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो आज की एक उपाय बताया था उस उपाय के बारे में। अगर कोई भी व्यक्ति या महिलाएं किन्हीं को भी अगर स्वप्न में सांप दिखाई देता है, सर्प दिखाई देता है, या कोई अस्थियां दिखाई देती है, कोई मरा हुआ व्यक्ति दिखाई देता है, या शमशान दिखाई देता है, अगर इस तरह से कुछ भी आपको स्वप्न में दिखाई देता है, तो इसके लिए पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक उपाय बताया। जिस उपाय को आप करते हैं तो 3 दिन के अंदर ही इन चीज़ों से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो ये छोटा सा उपाय है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आप गाय के लिए रोटी बनाते हैं, ठीक है, तो गाय के लिए जो रोटी है उस रोटी में कुछ मीठा डाल के आप गाय को खिला दें, ठीक है ना। मीठा के तौर पे अगर चाहे थोड़ा सा गुड़ डाल दें, चीनी डाल दें, कुछ भी इस तरह से मीठा उसमें डाल के गाय को खिला दें। और ध्यान रखें, जब गाय को आप खिला रहे हैं तो वो किस दिन आपको खिलाना है। अगर श्राद्ध पक्ष के दशमी, एकादशी या द्वादशी, अगर इस 3 दिन खिलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये समय आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन तीनों में 3 दिन अगर कंटिन्यू खिला देते हैं तो आपको कभी भी इस तरह की सपने दिखाई देना बंद हो जाएगी, ठीक है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जब आप गाय को मीठी रोटी खिला रहे होंगे, यानी रोटी के साथ कुछ मीठा खिला रहे होंगे साथ में मिला के, ठीक है ना, तो उस समय आपको क्या करना है भक्तों, उस समय सोमक पितृ का नाम लेते हुए उस रोटी को गाय को खिला देना। आप लोगों को पता होगा सोमक पितृ जो है भक्तों, वो पार्वती जी के नाना है, राधा जी के नाना है, ठीक है ना। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बस सोमक पितृ का नाम लेते हुए वो रोटी को आपको गाय को खिलाना है। महादेव की कृपा से सारी जो आपकी परेशानियां थी वो दूर हो जाएगी। आशा है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में श्री सवाई नमस्ते भी हम लिखना ना भूलें।